यरूशलेम पर अमेरिका के फैसले से नाराज अरब लीग ने शनिवार को सदस्य देशों की आपात बैठक बुलाई है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि अमेरिका आग से खेलना बंद कर दे वरना अंगेठी में फेंक देंगे। गुरुवार को ग्रीस की यात्रा के लिए जाने से पहले राजधानी अंकारा में हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, आखिर क्या करना चाहते हैं ट्रंप? तैयब एर्दोगन ने कहा, ट्रंप का ये कदम हद पार कर देने वाला है। उन्होंने कहा, मिस्टर ट्रंप, यरूशलेम मुस्लिमों के लिए लक्ष्मण रेखा की तरह है। वहीं तुर्की ने इसराइल की कूटनीति संबंध तोड़ने तक की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इस मामले पर 13 दिसंबर को इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई है। बैठक में अमेरिकी कदम से पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। We'll be right back.